नमस्ते, इंडियाज़ फूड एंड कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से रिच रेसिपी लेके आए हैं, पनीर भुर्जी। ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी आज हम बनाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी ऐसी यह रेसिपी है। तो इसे हम चपाती, ब्रेड या तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और देखते हैं कैसे बनाते हैं। ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमने 3 बड़े प्याज लिए हैं, उन्हें चॉप कर लिया है। एक बहुत बड़ा टमाटर लिया है, उसे भी अच्छी तरह से हमने कट कर लिया है। हरा धनिया लिया है और 2-3 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा हमने लिया है। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर लेंगे। 200 ग्राम पनीर हमने लिया है और ये पनीर को भुर्जी के लिए हमें इस तरह से हाथ से क्रश करना है। देखिए, बहुत ज़्यादा एकदम पेस्ट नहीं बनानी है, थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा क्रश कर लेना है। देखिए, ये पनीर हमारा रेडी हो गया है भुर्जी के लिए। पनीर भुर्जी के लिए हम अभी मसाला पीसेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच सूखा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा लेंगे हम, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लेंगे। इसमें हम ये अदरक और लहसुन, इसे हमने थोड़ा सा चॉप कर लिया है, इनको भी इसमें ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे। इन सब की हम मिक्सी में महीन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने महीन पेस्ट बना ली है और अभी हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी। 2 बड़े चम्मच ऑयल हमने पैन में गरम करने के लिए रख लिया है और ऑयल अभी गरम हो गया है। इसमें हम 2 तेज पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा 1/2 चम्मच जीरा, इसमें हम ये चॉप किए हुए प्याज डालेंगे। प्याज अच्छी तरह से हमें गलने देना है, अच्छा पिंक कलर आने तक इन्हें हमें ऑयल में फ्राई करना है। तो ये पनीर भुर्जी आप देखते रहिए और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखिए, प्याज बहुत अच्छी तरह से ऑयल में भून गया है और अभी हम इसमें जो हमने मिक्सी में से मसाला रेडी किया है वो ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे हम इसे अच्छी तरह से और इसके साथ ही हमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है जिससे कि ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। तो वो है 1 चम्मच बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक हम इसे चलाएंगे थोड़ा सा और इसमें हम थोड़ा सा पानी, 1/2 कटोरी पानी ऐड करेंगे जिससे कि सभी मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे। टोमेटो डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और स्वादानुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक हम इसे ढक के रखेंगे ताकि टोमेटो अच्छी तरह से नरम हो जाए। ढक के रखेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोलेंगे हम। देखिए, ये टोमेटो भी अच्छी तरह से गल गया है और अच्छी ग्रेवी बनके रेडी हो गई है। इसमें हम
आधा कटोरी और पानी डालेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधा कटोरी पानी हम इसे में डालेंगे और एक उबाल आने देंगे इसको अच्छी तरह से। देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गया है, अच्छी तरह से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। और पनीर को धीरे धीरे इसमें मिक्स करेंगे। पनीर ऐड करने के बाद में हमें सिर्फ 2-3 मिनट तक ही इसे इसमें होने देना है, ज्यादा देर पनीर को नहीं पकाना है। और इसमें अभी हम ऐड करेंगे हरा धनिया। प्रोटीन रिच ऐसा यह डाइट है, तो देखिए ये ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनके रेडी हो गई है, हम इसे सर्व करेंगे। हम गार्निश करेंगे हरा धनिया डाल के थोड़ा सा। तो देखिए प्रोटीन से भरपूर ऐसी यह ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनके रेडी हो गई है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।